इस दीपोत्सव की आप सबको समस्त देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। अद्भुत छटा प्रतिवर्ष की भांति तीर्थराज विमल कुंड भी आपको देखने को मिलेगी। श्री हरि कृपा आश्रम में आयोजित इस महान दीपोत्सव कार्यक्रम को हम सदैव की भांति इस वर्ष भी अपने वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, वीर अमर शहीदों को, अपने सुरक्षा कर्मियों को और राष्ट्र के महानायक उन सैनिकों को जो सीमाओं पर डटे हुए हम सबकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, रात दिन कष्ट उठाते हुए हमारे सुख के लिए प्रयत्नशील हैं, उन सबको समर्पित करते हुए गौरव का अनुभव हो रहा है। और इस महान पर्व पर जो प्रमुख संदेश हमारे सामने उभर करके आता है उससे वंचित न रहें। दीपक की लौ हमेशा ऊपर की ओर होती है, नीचे नहीं आती है। हमारा जीवन भी उत्थान की ओर हो, कभी पतन की ओर ना हो, ऊर्ध्वगामी हो, अधोगामी ना हो। और जैसे ये दीपक तिल तिल करके जलता है, इतना कष्ट उठाता है, अपने घर को अंधेरे में रखता है, मजाक सहन करता है, ताने सहन करता है लोगों के, देखो दीपक तले अंधेरा, दीपक तले अंधेरा, और ये सब करके भी औरों को रोशनी देता है, अंधकार से उबारता है, ठोकरों से बचाने की कोशिश करता है। इसलिए इसे एक शब्द हम कहते हैं दिया। इसने दिया ही दिया है, हमसे लिया क्या है? हमसे लिया अगर थोड़ा सा तेल और बत्ती, उसके बदले में कितना जलता है, अपने आप को अपनों को कष्ट में डालता है। यही कारण है कि हमारी भारतीय संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य, यज्ञ दीप प्रज्वलन के साथ प्रारंभ होता है। यह सम्मान इसलिए इसको मिला है, कष्ट पाने के कारण मिला है। संगमरमर की खान से दो पत्थर निकले, एक मंदिर की दहलीज पर लगाया गया, जिस पर पैर पैरों से रोनते हुए चप्पल उतार करके आते हो, और उसी संगमरमर की खान से निकला दूसरा पत्थर सुंदर विग्रह के रूप में हमारे सामने विराजमान है। देखते ही सिर अपने आप झुक जाता है श्रद्धा के साथ। एक अज्ञानी व्यक्ति कहेगा कि सबके अपने अपने कर्म हैं, अपने अपने भाग्य हैं, ये भाग्य को दोष देते हुए, भाग्य की सराहना करते हुए भाग्य की चर्चा करेगा। लेकिन कभी विचार करके देखिए, मंदिर की दहलीज ने, उस पर लगे उस पत्थर ने इतनी चोटें सहन नहीं की जितनी मूर्ति के कण कण में, रोम रोम में छेनी और हथौड़ी की चोटें लगी हैं। इतने कष्ट पाकर के तब आज पूजा और सम्मान का अधिकारी बनी। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है, कुछ कष्ट पाकर के ही व्यक्ति बनता है। यहां भी मेरे आसपास कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं देखता हूं, रात दिन इतना प्रयास करते हैं, इतने प्रयत्नशील, समाज के लिए भी, सबके लिए भी। ये कैसे आगे बढ़ रहे, ये कैसे बन रहे, बनेंगे? हरि बोल, जोर से बोलो और जोर से बोलो। किसी को भी जब कष्ट उठाते देखो जीवन में, याद रखना एक बात, एकदम से किसी पर उंगली में देगा, जरूर कोई बुरे कर्म करे होंगे, तभी तो इतना दुख पा रहे हो, कष्ट पा रहे हो। अपने बारे में विचार करो, अगर कष्ट है तो हमसे कोई गलत कर्म तो नहीं हुआ, अपने कर्मों का फल तो नहीं भोग रहे हम, लेकिन दूसरों की तरफ जब उंगली उठाओ तो याद रख लेना, सारी दुनिया के लोगों से मिल करके मैंने विश्लेषण किया है, कष्ट पाने वाले लोग तीन तरह के नजर आते हैं। एक वो है जो अपने बुरे कर्मों से कष्ट उठाते हैं, दुख उठाते हैं,
एक वो है जो कुछ बनने के लिए कष्ट उठाते हैं। आप भी अपने बच्चों से कहते हो बेटा आज मौज करेगा तो कल को, और आज कष्ट उठा देगा तो लाला कछु बन जाएगा। एक कुछ बनने के लिए कष्ट उठाते हैं, लेकिन एक तीसरे, जिस श्रेणी में मैं दीपक को रख रहा था, जिस श्रेणी में वीर अमर शहीदों को रख रहा हूं, जिस श्रेणी में उन सुरक्षा कर्मियों और सैनिकों को रख रहा हूं, जिस श्रेणी में संतों को, महापुरुषों को और अवतारों तक को रखने को मैं निसंकोच तैयार रहूंगा, वो है दूसरों के कष्ट दूर हो जाए इसके लिए रात दिन कष्ट उठाने को तैयार रहते हैं। उन वीर अमर शहीदों ने, उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कितने कष्ट सहे, कितनी यातनाएं सही अपने बुरे कर्मों से, कुछ बनने के लिए। ये देश आजाद हो जाए, गुलामी की जंजीरों में जो जकड़ा हुआ है उसे मुक्त हो जाए, इसके लिए कोड़े पड़ रहे हैं, काले पानी की सजा हो रही है, फांसी की सजा हो रही है, यातनाएं दी जा रही है, उनको दी जा रही है, उनके परिवार को दी जा रही है, फिर भी हंसते हंसते सहन कर रहे हैं। सल्यूट तो बनता है उन सब के लिए, जोरदार सल्यूट कर रहे। भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, बोलो तीर्थराज महाराज की, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, बोलो चैतन्येश्वर महादेव की। हरि बोल, हरि बोल। बहुत आनंद आएगा अभी कार्यक्रम का।